बेसिकली आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी माइग्रेशन फॉर्म के ऊपर है। सबसे पहले माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हो तब आपको सबमिट करना पड़ता है। कैसे माइग्रेशन की अंडरटेकिंग फिल करनी है मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूँ और यहाँ पर पूरी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैं बात कर दूँ, सबसे पहले ये पेज नंबर 12 है, CSSPG के बुलेटिन में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है उसमें भी माइग्रेशन मांग रहा है और उस वीडियो में माइग्रेशन के बहुत कमेंट आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, माइग्रेशन जो है अगर आप यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हो तो माइग्रेशन चाहिए, अगर आपका नहीं बना है अंडरटेकिंग दे सकते हो। अंडरटेकिंग मैं अभी आपको फॉर्म नीचे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो बेसिकली ड्यू से बच्चे पास आउट हुए हैं, जिन्होंने BA कराए, BSc कराए या जो भी कोर्स कराए, यानी UOD का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो, UOD का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो अगर आप UOD यानी DU से पास आउट हो तो आप अपना ID कार्ड मेंशन कर सकते हो, अपने कॉलेज का ID कार्ड आपको लगाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जगह, ठीक है। और बेसिकली माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज मतलब होता है, यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हो जो भी लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी माइग्रेशन जो DU से बच्चे पास आउट हुए थे उनके लिए माइग्रेशन नहीं था, वो अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए होता है। तो कन्फ्यूज मत हो, अपना आप लोग ID कार्ड लगा सकते हो या फिर थोड़ा सा वेट कर लो अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट ईयर काफी बच्चों ने जो BA पास हुए, BSc पास आउट हुए, यानी जो बेसिकली DU से पास आउट थे उनका नहीं लगा था, ID कार्ड ही लगा ते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आप लोग ID कार्ड लगा सकते हो जो बेसिकली अपने सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। आपको पता है रिजर्वेशन है DU के लिए, ठीक है, DU के बच्चों के लिए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, सबसे नीचे आया तो मैं देखो बुलेटिन में पेज नंबर मैं आपको शो कर दूंगा, ये रहा पेज नंबर, आप लोग पहले देख लो, पेज नंबर है 52 CSSPG के बुलेटिन। अगर आप डाउनलोड करोगे 52 नंबर पेज पे आप लोगों को ये माइग्रेशन मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा ये इतना ही है फॉर्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पे अपना नेम है, यहाँ पे फिर ये सब है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर सभी का होता है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फिल करना है, ठीक है, उसका रोल नंबर फिल करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो ये सब फिल करना है। बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह फिल करने को बोल रहा है अंडरटेकिंग में, ठीक है। यहाँ इन्होंने अंडरटेकिंग लिख रखी है पूरी चीज़ें, और यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अच्छा, कोई भी आप लोगों को आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक का अपना डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है। आधार कार्ड का नंबर मेंशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, आधार कार्ड हो गया। फिर यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है प्लेस, ठीक है, और यहाँ दिल्ली, और सॉरी डेट, तो डेट में आप लोग फॉर एग्जाम्पल आज फिल करो तो आज की डेट फिल कर देना, ठीक है, और प्लेस में आपका जहाँ भी प्लेस है, दिल्ली है, जो भी है वो फिल कर देना। तो ये माइग्रेशन इस तरीके से फिल हो जाएगा, ये पूरा माइग्रेशन का इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है अंडरटेकिंग का, ठीक है। पेज नंबर 52 है, आप लोग देख सकते, तो माइग्रेशन आप लोगों को मिल गया है, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो जो DU से पास आउट है उनके लिए माइग्रेशन नहीं है, उन्हें सिर्फ ID कार्ड देना है अपना, ठीक है, ID कार्ड आप सभी लोगों के पास होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी मैं आप सभी लोगों से कहूँगा इसकी CSSPG का फॉर्म फिलअप कर लो। PG का फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ थी, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी इंस्टा पे पूछ सकते हो।